दरभंगा में देर शाम मौसम का मिजाज बदला, जिसके बाद तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, साथ ही जमकर ओलावृष्टि भी हुई। कई जगहों पर 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक साइज के ओले गिरे। बारिश की वजह से जिलेवासियों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों के मुताबिक फसलों को भारी नुकसान हुआ। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सीमांचल समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोडरमा में विधायक नीरा यादव की सुपुत्री डॉक्टर ट्विंकल कृष्णा के विवाह समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर ट्विंकल को सुगत दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने जब नो एंट्री का बोर्ड लगाया तो 4 साल तक नीतीश कुमार बाहर रहे। आज जब एंट्री नीतीश का बोर्ड लगाया तभी उनकी एंट्री हुई। बिहार में सरकार बन रही, नीतीश कुमार से सीक्रेट बातचीत हो चुकी है। नवादा में कपड़ा डालने गई महिला को सांप ने काटा। आनंद फानंद में गया अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित किरण देवी हिसुआ थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीरामपुर की बताई जाती है। पैर के अंगूठे में सांप ने डसा। कैदी की पहचान पिंटू कुमार, ग्राम मथुरापुर थाना कौवाकौल में पिछले दिनों मारपीट कर 2 लोगों का सिर फोड़ देने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वहीं मारपीट में चोटिल कैदी पिंटू को पुलिस ने उचित उपचार के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कैदी खुद अस्पताल में एक हाथ में हथकड़ी और एक हाथ में पानी का बोतल लेकर अस्पताल परिसर में लगे वाटर फिल्टर से पानी भरते देखा गया। यह पुलिस की लापरवाही दर्शाती है। पुलिस को कितनी परेशानी झेली पड़ सकती है अगर वह कैदी भाग जाए तो, क्या अधिकारी टॉर्च लेकर खोजते नजर आएंगे। नवादा जिले के नरहट में मार्का ट्रेड यूनियन कंपनी की टीम के साथ स्थानीय पुलिस पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की। छापेमारी कर नरहट चांदनी चौक बाजार की 2 दुकान से भारी मात्रा में नकली जैस्मिन तेल और खाली बोतल और रैपर बरामद किया गया। इस मामले में शैलेश कुमार पिता मुसाफिर वर्मा और उपेंद्र प्रसाद पिता तुलसी महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना के फुलवारी शरीफ के चौहरमल नगर में आयोजित होने वाले सालाना बाबा चौहरमल महोत्सव में दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद पहुंचे और यहां बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शोषित पीड़ित गरीब दलितों का मसीहा बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि बाबा चौहरमल, डॉक्टर अम्बेडकर, राजा शैलेश जैसे महान शख्सियतों ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। आज हम लोग भी सामाजिक न्याय और जातपात को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पासवान हमेशा से बहादुर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस समाज के लोगों को सम्मान और अधिकार की लड़ाई बुलंदी से लड़ने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाबा चौहरमल स्मारक निर्माण समिति के तत्वाधान में आयोजित बाबा चौहरमल महोत्सव में पहुंचने पर शिरोमणि बाबा चौहरमल स्मारक निर्माण समिति के अध्यक्ष दिनेश पासवान ने तेजस्वी प्रसाद को तलवार और पगड़ी भेंट कर सम्मानित किया। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने केला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है। बताया जाता है कि फतेहपुर गांव निवासी 32 वर्षीय मोहम्मद अबुल फतेहपुर चौक पर चाय पीने के लिए पहुंचा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे और किससे बात को लेकर विवाद किया, फिर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि हत्या किस वजह से की गई है स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच परिजनों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतक केला का कारोबार करता था। मुंडू स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में गुरुवार को मधुमक्खियों ने पर्यटकों पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले में मंदिर परिसर स्थित भास्कर सरस्वती विद्या मंदिर, छात्रावास के 8 बच्चों समेत कुल 15 लोग घायल हो गए। सूर्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर बंडू प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर में उस समय शिव चर्चा हो रही थी। सूर्य मंदिर से भड़के मधुमक्खियों ने शिव चर्चा में शामिल 3 को डंक मारकर घायल कर दिया।
जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों का इलाज बंडू अंडली अस्पताल में किया गया। मंदिर घूमने पहुंचे बंडू के रेलाडी गांव निवासी अवधेश कुमार साहू और उनकी पत्नी दीपा कुमारी मधुमक्खियों के डंक से बेहोश हो गए। वहीं अवधेश कुमार साहू को रिम्स रेफर किया गया। संस्कृति विहार संयोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि सूर्य मंदिर में मधुमक्खियों के कई छत्ते हैं। लगभग मंदिर पहुंचे किसी पर्यटक ने मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया, जिससे मधुमक्खियां हमलावर हो गई। उसी समय मंदिर घूमने पहुंचे रेलाडी निवासी अवधेश कुमार साहू और उनकी पत्नी दीपा कुमारी पर हजारों मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। वहीं भास्कर सरस्वती विद्या मंदिर छात्रावास के बच्चों ने अपने अपने बेड के कंबल चादर से बचाने की कोशिश की। मंदिर परिसर में स्टॉल लगाने वाले राजेंद्र उर्फ गुट्टू भी घायल हो गए। इस दौरान रांची टाटा रोड पर भी अफरा तफरी मची रही। लोग कारों का शीशा चढ़ाकर क्षेत्र को पार करते नजर आए। जमशेदपुर में तेज आंधी और तूफान की वजह से गांधीनगर में एक झोपड़ी पर विशाल पेड़ गिर जाने से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घर में मौजूद लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। इस घटना में घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी मिलते ही क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य किशोर यादव और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी जिला प्रशासन को दी। हालांकि आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से जिला परिषद सदस्य की ओर से किसी तरह की मदद नहीं पहुंचाई जा सकी, पर स्थानीय लोगों ने चंदा से उनका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में करवाया। बोकारो में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव को लेकर बंगाल झारखंड बॉर्डर को अभी से ही सील कर दिया गया है। बॉर्डर से गुजरने वाले सभी गाड़ियों और लोगों पर पैनी निगाह रखी जा रही है और सामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों के मुताबिक सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की तलाशी ली जा रही है, ताकि सीमा के रास्ते कोई असामाजिक व्यक्ति किसी तरह के आग्नेयशास्त्र मादक पदार्थ लेकर झारखंड में प्रवेश नहीं कर सके। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अगलगी में 4 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर में बने गोदाम में लेज, कुरकुरे, चॉकलेट और बिस्किट स्टॉक रखा गया था। पीड़ित संजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस अगलगी में लगभग 4 लाख का नुकसान हुआ है। सायपुर में अज्ञात अपराधियों ने धुंधा साहू नामक युवक पर गोली चला दी। इस हमले में धुंधा साहू के हाथ में गोली लगी। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने घायल धुंधा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस सब अपराधियों की तलाश में जुटी है। वैसे घायल धुंधा का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र के हीरा कनारी में संदिग्ध परिस्थिति में कुएं से एक महिला का पुलिस ने शव बरामद किया, जिससे पोस्टमार्टम के लिए तालझारी थाना पुलिस भेजा गया। आपको बता दें, वहीं मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। राज्य के सभी थानों में अब लैंडलाइन टेलीफोन की ट्रिन ट्रिन की घंटी बजेगी। मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आईएएस अधिकारी को संबोधित करते हुए चिंता व्यक्त की थी और कई थानों में अभी भी लैंडलाइन टेलीफोन नहीं लगा है, लेकिन अब कई स्थानों पर टेलीफोन खराब है, उससे ठीक कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री की चिंता को देखते हुए बड़े अधिकारियों ने राज्य पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है कि जिन थानों में लैंडलाइन टेलीफोन नहीं है, वहाँ सूची में आकर लैंडलाइन टेलीफोन लगाया जाए।